हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिफरेंट शेप के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट शेप। तो डिफरेंट शेप मैथ्स में हम लोग डिफरेंट शेप होता है और उस डिफरेंट शेप में उसका नाम अलग अलग होता है, पता है ना? तो देखिए, जस्ट आई हैव ड्रॉन ए फिगर ऑन द बोर्ड। नाउ इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ दिस फिगर इज लुक लाइक अ रोबोट। रोबोट जैसा दिखाई देना रहा है कि नहीं दे रहा है? ये फिगर जो है रोबोट जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखिए, इस रोबोट में ये जो है दिस इज द स्टार। ये क्या है? स्टार है ना? ये क्या है? ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल। ये क्या है? स्क्वायर। और ये क्या है? मेरा रेक्टेंगल है। ये वाला शेप जो उसका बॉडी पार्ट है, बॉडी है, देखिए रेक्टेंगल है कि नहीं रेक्टेंगल? और ये इसका जो मुंह बन गया, ये क्या है मेरा? ओवल। क्या है? ओवल। तो दिस इज द रोबोट बट इट हैज डिफरेंट शेप्स। एवरी पार्ट्स so different shape. And now in mathematics we know the different shape of the object, different shape of the circle, different shapes. We should know the different shape and what is the name of that particular shape so that we can solve the problem easily. आई बात समझ में ना? तो इसको मैं लिख दिया, ये स्क्वायर है। कैसा शेप है मेरा? स्क्वायर। ये क्या है? ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? ये क्या है? नाउ दिस इज। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोग को? ये शेप हम लोग सीख लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, जब ऊपर क्लास में जाएंगे बेटे, तो अलग अलग शेप के बारे में हम लोग और भी कुछ जानेंगे, जानेंगे ना? तो अब देखिए, इस का वर्ड का स्पेलिंग क्या होगा, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, we will know right now. हम लोग अब इसको देखेंगे। देखिए, ये this is the instrument. I have an instrument. And what is the correct pronunciation? सही उच्चारण क्या है? इसे भी हम लोग को सीखना होता है। क्या? सही उच्चारण भी हम लोग को सीखना है। अगर किसी भी वर्ड का गलत उच्चारण, गलत प्रोनाउंसिएशन, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तो मेरी क्या होगा, उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसलिए हम लोग को सही प्रोनाउंसिएशन सीखना है। नाउ जस्ट यू लिसन केयरफुली फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, दिस इज टेडी बियर। क्या है? है ना? गुड। अब देखिए, इस टेडी बियर के हेल्प से इसका सही प्रोनाउंसिएशन हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। कोई बात नहीं। देखिए, अब यहाँ ये डिफरेंट शेप है, हम लोग इस शेप को टच करेंगे। क्या है? क्या बोला? देखिए, फिर से बोलेगा ये। व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए, क्या बोला? ट्रायंगल। क्या बोला? ट्रायंगल। ट्रायंगल है त्रिकोण। त्रिकोण की कितनी भुजाएं होती है? फिर पढ़ेंगे। क्या बोला? ट्रायंगल
ट्राइंगल की कितने साइज होती है? ट्राइंगल की कितनी साइज होती है? ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनिएगा, त्रिकोण। क्या बोलते हैं? त्रिकोण। सर्कल, बोलिए एक बार में, सर्कल। इस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वृत्त। वृत्त क्या बोलते हैं? वृत्त गोल होता है। वृत्त कैसा होता है? रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल इन रेक्टेंगुलर इन शेप। क्या होता है? रेक्टेंगुलर इन शेप, टू साइड्स आर इक्वल। क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल। देखिए ये क्या है? ओवल। ओवल क्या है? ओवल। क्या बोलेंगे? ओवल। क्या बोलेंगे? ओवल। क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडाकृति। अंडाकृति क्या बोलते हैं? अंडाकृति का मतलब खींचे हुए चक्र की तरह। नेक्स्ट क्या है मेरा? स्टार। क्या है? स्टार। स्टार है फाइव हेड। स्टार है फाइव हेड। तो ये डिफरेंट शेप है बेटा मेरा, और डिफरेंट शेप को उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग। क्या बोलेंगे? दूसरा क्या है? ट्रायंगल। क्या बोला? ट्रायंगल। ट्रायंगल। सर्कल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ओवल क्या बोलता है? ओवल। स्टार। नाउ हम लोगों आज ने क्या सीखा? क्या सीखा? शेप के बारे में डिफरेंट, उसकी सही सही प्रोनाउंसिएशन सीखा। अब आप घर पे ये सारी चीजों को बनाना है और सही सही प्रोनाउंसिएशन सही करना है, उच्चारण सही बोलना है। बोलेंगे ना? थैंक यू फॉर टुडे। आप इसको बार बार दोहराएं, अपने पेरेंट्स से ही बोले कि इसे हमें देख करके बार बार इसी वर्ड में इसी प्रोनाउंसिएशन में बोलवाए, आप हम लोग सीख जाएंगे। सीखेंगे ना? सही प्रोनाउंसिएशन। थैंक यू फॉर टुडे।